पूर्व में भी अप्रेंटिस के विरोध प्रदर्शन को किया गया है और एनएसयूआई पूर्व में भी इनके साथ रही है और आज भी केंद्र सरकार से और एसीपीएल प्रशासन से एनएसयूआई लड़ाई लड़ रही है और निरंतर इस लड़ाई को लड़ते रहेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। अप्रेंटिस के नियमितीकरण की बात को लेकर और जिसको लेकर हम इस लड़ाई को लड़ते हैं और जैसा की बताया जा रहा है कि कानून पास ही है तो मैं ये चाहता हूँ इसमें एक जिस प्रकार से जो रास्ता निकाला जा रहा है जिससे छात्र वंचित ना हो और एसीपीएल प्रशासन जिस प्रकार से मौन बैठा हुआ है जिला प्रशासन का दुरुपयोग कर पुलिस बल को तैनात किया है इसका विरोध अब तो निरंतर जारी रहेगा और जब तक हमारी मांग पूरी हो जाएगी तब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे।